दोस्तों, आज हम देखेंगे रिलायंस इंडस्ट्री में कि क्या इतिहास बनने वाला है और इतिहास बनने में कितना समय और बाकी है और इतिहास कैसे बनेगा, कौन बनाएगा और उस इतिहास की वैल्यू क्या है। तो दोस्तों चलिए, ज़्यादा देर ना करते हुए हम सीधा चलते हैं वीडियो पर। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है वो दबा दीजिए, ताकि आपको स्टॉक मार्केट की सारी न्यूज़, टेक्निकल, फंडामेंटल, फ्यूचर, ऑप्शन, करेंसी, कमोडिटी, सारी चीज़ें का आपको लाइव ट्रेडिंग करके दिखाया जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस फ्री में दिखाई जाएगी और सारी चीज़ें जो नॉलेजेबल है और जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है, सारी चीज़ें इस चैनल पर अवेलेबल रहेगी। तो दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब चलते हैं सीधा रिलायंस के चार्ट में। तो दोस्तों, आपके सामने रिलायंस का चार्ट है, 1570 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है और लगातार यहाँ से अगर आप देखें इस लेवल से, यानी कि 20 सितंबर से स्टॉक एक तरफा 1200 रुपये से 1600 रुपये का चला गया है, यानी कि 400 रुपये की तेज़ी एक तरफा इसमें आ गई है। अब हम आज इसमें देखेंगे कि तेज़ी हुई है और इतिहास क्या बनने वाला है। तो इतिहास बताने के लिए मैं आपको बता दूं, हमें चलना पड़ेगा एक नई साइट पर जिसका नाम है moneycontrol.com पर हम आए। दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखा moneycontrol.com पर कि रिलायंस का हमें बता दीजिए। तो यहाँ मैंने खोला रिलायंस, ये है आपके सामने रिलायंस इंडस्ट्री। दोस्तों, रिलायंस इंडस्ट्री के हम गए, यहाँ पर भी कीमत जो मैंने पहले आपको दिखा दी है वही की वही सारी चीज़ें, लेकिन मैं इसके लिए नहीं लाया हूँ, आपको लाया हूँ अलग चीज़ बताने। तो देखिए, यहाँ देखिए दोस्तों, ये चीज़ें हैं जो मैं आपको थोड़ा सा साइड थोड़ी सी कंफर्म हो जाती है। ये देखिए, ये जो है 9,95,089 करोड़, यानी कि अगर ये स्टॉक 1% अब ऊपर बढ़ा, ठीक है, तो ये जो मार्केट कैप है इसका, ये 10,00,000 करोड़ का हो जाएगा, जो कि अब तक किसी भारतीय कंपनी का नहीं हुआ है। ठीक है दोस्तों, और वैसे भी अभी देश में सबसे बड़ी मार्केट कैप कंपनी यही है, TCS दूसरे नंबर पे आ गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको आपको बता देते हैं यहाँ पर कंपेयर करके कि TCS का मार्केट कैप अभी क्या है और इसका मार्केट कैप में क्या अंतर है। तो ये मैंने आपके सामने TCS का खोल लिया है, हम देख लेते हैं उसमें क्या स्टेटस है उसका। ठीक है दोस्तों, तो हम आ गए हैं TCS के मार्केट कैप पे, जो कि है 7,70,533 के आसपास, यानी कि 2,20,000 या 25,000 करोड़, यानी कि 2,25,000 करोड़ से पिछड़ गई है ये कंपनी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ ऐसी कंपनियों की जो टॉप 10 में है, ताकि आपका नॉलेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पर हमने खोल लिया है ये टॉप 100 वाली कंपनी। तो पहला आप देख रहे हैं आपके सामने है रिलायंस, फिर TCS, उसके बाद HDFC बैंक, HUL, फिर HDFC। दोस्तों, HDFC बैंक और HDFC दोनों अलग अलग कंपनियाँ हैं, ICICI बैंक, कोटक, SBI, ITC, इंफोसिस। ठीक है दोस्तों, आपके सामने ये चीज़ें मैंने क्रिस्टल क्लियर कर दी। अब रिलायंस को मात्र एक से कुछ 1% के आसपास की तेज़ी चाहिए, तो वो इस न्यूज़ को जो कि मैंने आपको बताई है, रिलायंस वाली जो न्यूज़ है, वो न्यूज़ ये सही साबित हो जाएगी, यानी कि 10,00,000 करोड़ मार्केट कैप वाली कंपनी रिलायंस बनने वाला है। तो यदि आप वीडियो मार्केट आर के पहले देख रहे हैं तो आप इस साइट को खोल कर रखिएगा और लाइव मार्केट में देखिएगा कि किस तरफ हिलिंग आती है। हालांकि न्यूज़ चैनलों पे, टीवी चैनलों पे, मीडिया में ये इस वीडियो को देखने के बाद ही पता चलेगा, क्योंकि उनकी भी निगाहें रहेंगी, लेकिन दोस्तों मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो आप इस मौके पर इसके साथ शामिल हो जाइए और फील कीजिए कि जब 10,00,000 करोड़ कि मार्केट कैप किसी कंपनी की होती है तो उसकी क्या वैल्यू होती है। देश के नंबर 1 कंपनी वैसे ही है ये, और आज एक नया इतिहास इसके साथ जुड़ जाएगा। और थोड़ा सा चार्ट पैटर्न भी हम देख लेते हैं। अब दोस्तों, ये यहाँ रेंज फेस कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अब ये अगर मान लीजिए जो 1575 का जो हाई है इसका, आज जैसे देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ कुछ अलग अलग करके, यहाँ इस पर देखेंगे आप तो 1573 रुपये का हाई है, यानी कि ये किस तारीख का है, 20 नवंबर का, और 26 नवंबर का आप देखेंगे तो 1576 रुपये का हाई है, और 27 नवंबर का देखेंगे तो 1575.50 रुपये का हाई है, यानी कि किसी भी हालत में 1575 रुपये के ऊपर अगर स्टॉक आज चले गया है तो एकदम आग लग जाएगी। यानी कि आग लगने से मतलब ये है मेरा कि 1 से 2% का मूव आसानी से मिल जाएगा बिना कुछ करें। तो ठीक है दोस्तों, जब भी पोजीशन बनाएं केयरफुल होकर बनाएं और एकदम रिस्क रिवार्ड सोच समझ कर बिठाएं और स्टॉप लॉस हमेशा लगाएं। दोस्तों, स्टॉप लॉस कभी भी दिमाग में मत लगाइएगा, स्टॉप लॉस सिस्टम में ही लगाएं। ठीक है, तो बताइए दोस्तों जानकारी कैसी लगी, वीडियो पसंद आया होगा लाइक दबाना मत भूलिएगा, और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, ताकि मैं अगला वीडियो जब भी डालूँ आपको नोटिफाई हो जाए। मिलते हैं अगले वीडियो।